मैं दोबारा चौधरी के पास पढ़ने नहीं जाना चाहता था। पिंकी के वहां रहते तो बिल्कुल भी नहीं। मगर पहले दिन वहां से निकलते वक्त जब मैंने पिंकी के चमचमाते दांत देखे तो ना जाने क्यों लगा कि ये लड़की उतनी भी खतरनाक नहीं है जितना कि बनती है। वैसे भी सिर्फ उसके डर से तो चौधरी की क्लास नहीं छोड़ सकता था, और पिताजी भी इस बार कोई बहाना नहीं सुनते। जाहिर है मैं अगले दिन फिर सही वक्त पर ट्यूशन पहुंच गया। न जाने क्यों मेरी नजरें उसी पिंक साइकिल को तलाश रही थी जो उस वक्त वहां नहीं थी। मुझे लगा कि शायद पिंकी आज ट्यूशन नहीं आने वाली। मुझे समझ नहीं आया कि उसका ना आना मेरे लिए राहत वाली बात थी या फिर मैं चाहता था कि वो आए। कंफ्यूजन से भरे ऐसे इमोशंस दरअसल मेरे अंदर केमिकल लोचा पैदा कर देते थे और मैं वो होने नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि मैं अंदर क्लास में जाता मेरे कानों में ढेर सारी घंटियों की आवाज पड़ी। कुछ लड़कियां बड़ी जोरों से अपनी साइकिल की घंटियां बजाते हुए मेरी तरफ आ रही थी। आ क्या रही थी बल्कि मुझ पर साइकिल चढ़ाने ही वाली थी। उन्हें एकदम करीब आता देखकर मैं उछला और पास बनी दीवार को पकड़कर लटक गया। उन सभी ने ऐन मौके पर अपनी साइकिल रोकी। उस साइकिल गैंग में पिंकी भी शामिल थी अपनी चमचमाती पिंक साइकिल के साथ। वो सब मेरी ओर देखकर हंस पड़ी, मगर इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया था बल्कि मैं चुपचाप किसी उल्लू की तरह उन्हीं को देखता रहा। कुछ लड़कों के वहां आते ही वो सब लड़कियां क्लास में चली गई। उनके जाते ही मैं नीचे उतर आया और कुछ सेकंड्स वहीं रुकने के बाद अंदर गया। इस बार मैंने पिंकी से नजरें चुराने या मुंह छुपाने की कोशिश नहीं की बल्कि बहुत नॉर्मल तरीके से चलते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैंने नोटिस किया कि उसके साथ उसका बड़ा भाई नहीं बैठा था, शायद वो आया ही नहीं था। उस रोज चौधरी सर ने जियोग्राफी पढ़ाना शुरू किया और क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी में हमेशा से मेरी दिलचस्पी थी तो मैंने पूरा ध्यान लगाते हुए चौधरी को सुना। बीच बीच में पूछे जाने वाले हर सवाल पर फटाक से अपना हाथ उठाकर मैंने जवाब भी दिए, वो भी बिल्कुल सही सही। आगे बैठे सारे लड़के लड़कियां बार बार पीछे पलटकर मुझे चौधरी के छोटे छोटे सवालों के बड़े लंबे लंबे जवाब देते हुए देख रहे थे, खुद पिंकी सिंह भी। मगर मुझे अच्छी तरह से यह मालूम था कि हिस्ट्री और जियोग्राफी झाड़ने से लड़कियां नहीं इंप्रेस होती, उसके लिए मैथ्स और साइंस में स्ट्रांग होना पड़ता है जो कि मैं नहीं था। जब क्लास खत्म हुई तो कुछ लड़कों ने मुझसे हंसकर बात की। कुछ ने कहा कि उनके सोशल स्टडीज में अच्छे नंबर्स नहीं आते तो अच्छे नंबरों के लिए कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए। मैंने बकायदा क्लास से बाहर निकलते हुए उनको अपना ज्ञान दिया और वो भी सब खुश हो गए। जब मैं घर की तरफ बढ़े जा रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। उस रोज वाकई में मुझे ट्यूशन में बैठने पर मजा आया था। अचानक से चौधरी भी अच्छा लगने लगा और उसका वो मिनी स्कूल भी। अपनी नोटबुक थामे मैं अपने में मस्त मगन चला जा रहा था कि पीछे से किसी की आवाज और साइकिल की घंटी सुनाई पड़ी। मैंने पलटकर देखा, पिंकी बहुत तेजी से मुझे आवाज देते हुए चली आ रही थी। उसे वहां देखकर एक पल को तो मैं घबरा ही गया, सोचा कि अब क्या करने आ रही है। मगर फिर कहीं से फीलिंग आई कि बेटा ये मामला लड़ने झगड़ने वाला नहीं है। मैं वहीं खड़े होकर उसका पास आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो मेरे सामने थी। साइकिल तेज चलाने की वजह से उसकी सांसें फूल गई थी। उसने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की और फिर बोली, सॉरी ऐसे रोकने के लिए,
क्या घर जा रहे हो? हाँ, अब घर ही तो जाऊंगा ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो अब भी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी और मैं इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बताए कि क्यों उसने मुझे ऐसे बीच रास्ते पर रोक लिया। तुम बोलते बहुत अच्छा हो यार, मतलब क्या कंट्रोल है तुम्हारा लैंग्वेज पर। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी कम उम्र में कोई इतना बढ़िया बोल सकता है। तुमको तो स्पीच देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे वो सारे जवाब मालूम थे, इसीलिए इतनी आसानी से बोल दिया। अब वैसे थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। अरे नहीं यार, तुमने देखा नहीं ना, क्लास के बाद सभी लोग बाहर खड़े होकर तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। चौधरी सर ने तो हमें ये भी बताया कि तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। अब मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर कुदकुदी होने लगी थी। कंधे से लेकर पैरों तक एक सरसराहट महसूस हो रही थी और पहली बार अपने पिताजी से विरासत में मिली किसी चीज पर प्राउड फील हो रहा था। मैंने फिर भी खुद की शक्ल और एक्सप्रेशंस बड़े नॉर्मल रखने की कोशिश की और कहा, थैंक यू। बस इतना कहकर मैं अपने होंठ बंद करके मुस्कुराने लगा। मुझे मालूम था कि मेरे दांत ना तो उसकी तरह सुंदर थे और ना ही उतने सफेद। वो अब भी मेरे सामने खड़ी स्माइल कर रही थी और शायद कुछ कहने के लिए खुद को तैयार भी। तब तक उस खाली सड़क पर बस हम दोनों ही थे, मगर फिर दूर से आ रहे बाकी लड़के लड़कियों पर मेरी नजर पड़ी। मैं जल्दी से वहां से ना खिसकना चाहता था कि तभी उसने मेरे घुटने की तरफ देखा। कल के लिए रियली सॉरी, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। तुमको बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? नहीं, उतना तो नहीं, मगर हाँ हुआ तो था पर ज्यादा नहीं। तो कोई दवाई लगाई थी? अरे नहीं, इतना तो चलता है। इससे ज्यादा चोट तो ग्राउंड पर लग जाती है ना खेलते हुए। मैंने देखा कि ट्यूशन के वो बाकी बच्चे पास आ चुके थे। उसने भी पलटकर उनको देखा और फिर अपनी साइकिल पर बैठते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, ये कहते हुए एक बार फिर उसने अपनी बत्ती सी चमकाई और मेरा हाथ खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ता चला गया। हाँ फ्रेंड्स, मैंने हाँ कहा तो उसने मेरा हाथ थामा और फिर कुछ सेकंड्स तक शेक करते रहने के बाद बहुत आराम से छोड़कर वो पैडल मारती हुई तेजी से आगे निकल गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। उधर ट्यूशन से आ रहे उन लड़के लड़कियों में से हर कोई मुझे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। जब सब चले गए तो मैं भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। नई दोस्त और नई दोस्ती फील तो अच्छा दे रही थी, मगर मन में ये बात बार बार उठ रही थी कि सिर्फ चार दिन पहले इसी लड़की ने मेरे दोस्त चीकू की मार मार के हालत खराब कर दी थी और मैंने उसी से दोस्ती कर ली। फिर सोचा कि साला चीकू खुद ही तो मार खाने के लिए उतावला हो रहा था, उसने तो मेरे दोस्त की ख्वाहिश ही पूरी की थी और फिर उसे अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने की कसम भी तो पूरी करनी थी। वो अगर ऐसा नहीं करती तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो कसम अटकी रह जाती। घर पहुंचते तक मैं अपने मन ही मन में पिंकी से हुई दोस्ती को जायज ठहराने की कई सारी वजहों को सोचता रहा, पर साले मन का क्या है, वो तो हर अच्छी लगने वाली चीज को लाइफ में ले आता है बिना ये सोचे कि इससे कभी झटके भी पड़ सकते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ने वाले थे, चीकू को पढ़ने वाले थे और पिंकी को भी।